जंगल का राजा शेर होता है और ये हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन उसी जंगल में शेर के नाम पर कई सारे कायर जानवर अपना काम करवा लेते हैं, कुछ शेर के पक्ष में होकर और कुछ शेर के दुश्मनों के। और कुछ ऐसे ही राजनेता अपने नेतागिरी में भी सियासत चमकाने का काम किया करते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। सचिन पायलट के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने का काम डोटासरा ने किया, लेकिन अफसोस कि उन्हें उनके इस प्रयास में सफलता मिलती नहीं दिख रही। नमस्कार, आप देख रहा शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस नेता के बारे में जो अक्सर नाती के बाड़े को ज्यादा याद किया करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी सचिन पायलट का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है और राजनीति में कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो अपने ही लोगों से वीडियो बनवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वीडियो में लाउडस्पीकर पर फोन पर बात करते हुए ये कहते हुए मिल रहे हैं कि लोगों को शादी वगैरह करने दो और कोरोना वायरस की वजह से उनको रोको मत, क्योंकि कुछ लोग अपने जन्मदिन पर 5,000 लोग बुला रहे हैं तो फिर हम शादी करने वालों को क्यों मना करें। फैलाया तो ये वीडियो वायरल वीडियो के नाम से जाया जा रहा है, लेकिन क्या ये वायरल हुआ है या फिर वायरल किया गया है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सचिन पायलट को बदनाम करके किसका नाम होगा, किसका पद बचेगा, यह कोई छुपाने वाली बात तो रही नहीं, लेकिन अभी भी राजनीति के पिटारे में कई नेता ऐसे हैं जो आज भी ये समझते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है और ये जनता कुछ नहीं समझती। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, जनता सब कुछ जानती है। इससे पहले डोटासरा का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो कुछ लोगों से ये कहते हुए पाए गए थे कि मैं बस कुछ दिनों का मेहमान हूं और तब तक तुम्हारे जितने भी काम हो करवा लो। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज है कि इस वीडियो को वायरल करने या करवाने के पीछे ये मंशा पूरी तरह से हो सकती है कि आप भी अपनी कुर्सी को बचाने के कुछ आखिरी प्रयास कर लिए जाने चाहिए। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने घर को नाती का बाड़ा बताने के लिए, फरियाद लेकर आए छात्रों को भगाने के लिए और भी ऐसे कई मुद्दों पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी सारी सुर्खियों का पूरा बही खाता लेकर बैठे हैं और उनका पूरा हिसाब किया जाएगा। और जो लोग गोविंद सिंह डोटासरा के ऐसी गलतियों का बही खाता लेकर बैठे हैं वो और कोई नहीं बल्कि प्रदेश की जनता है जो जल्दी ही उन्हें जवाब देने के लिए तत्पर है। आपका क्या सोचना है हमारी इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही राजस्थान के विश्लेषण देखने के लिए राजनीति के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं मिशी मीडिया सॉल्यूशंस@gmail.com।